ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿੰਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਭਗੋਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗੋਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹਾਏ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਐ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਐ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਨ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀ। ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਆਗਮਲ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮੁਗਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1628 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਪਹਿਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
गुरु हरगोबिंद जी दे ज्योति जोत समाउन समय सन 1644 विच तेग बहादुर जी 23 साल दे सन, पर गुरगद्दी बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र हर राय जी नू 8 मार्च 1644 ईस्वी नू मिली। इस तरह उन्होंने 17 साल 5 महीने 8 दिन गुरु गद्दी दी सेवा कीती। गुरु हर राय साहिब तो उपरंत गुरु गद्दी बाला प्रीतम श्री हर कृष्ण जी ने संभाली। गुरु हर कृष्ण जी छोटी उम्र विच ही सन कि दिल्ली विच गुरुद्वारा बंगला साहिब दे स्थान उत्ते रोगग्रस्त रोगियां दे रोग दूर कर दे सचखंड साहिब जा विराजे। पर सचखंड गमन तो पहला गुरु हरकृष्ण जी ने वचन कर दिते सन कि बाबा बकाले। ए वचन त्याग मल नू गुरु तेग बहादुर जी दे नां नाल गुरु गद्दी दा हकदार बना गए सन। तां वी तेग बहादुर जी ने संगत दे विवाद तो बचन लई भारत दी पूरब दिशा वल यात्रा दा आरंभ कर दिता। वो पूरब विच कई थावां ते गए ते उन्हां ने हजारां बंदियां नाल मुलाकात करके सिख धर्म दा प्रचार कीता। तेग बहादुर जी पंजाब नू परत आए। गुरु तेग बहादुर जी बकाले विच सन जदों उन्हां नू 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण जी दे ज्योति जोत समाउण दी खबर मिली। गुरु हरकृष्ण जी दे ज्योति जोत समाउंदे ही ईरखालू ते पखंडी लोकां ने गुरगद्दी दा हकदार जतलाउण लई बाबे बकाले विच कई थावां ते मंजियां डाल लईयां ते गुरु होण दा दावा कर दिता। पर सच छुपाया छुपदा नाहीं ते भाना छुपदी कखी। दे कौल मुताबिक सिद्धकी सिख भाई मक्खन शलवाणे ने बकाले विच असल गुरु दी तलाश आरंभ कर दिती। क्योंकि मक्खन शाह लुबाणा एक वारी व्यापार करदिया अपने डुबदे जहाज लई गुरु अगे मन्नत मनिया होईयां मोहरां भेट करना चाहुंदा सी। इसलिए वह बाबा बकाले आया ते हर एक मंजी दे सन्मुख 5-5 मोहरां रख के मत्था टेकदा गया। उदों तेग बहादुर जी अपने भगती स्थान बकाले विच विराजमान सन। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी उम्र दे 26 वरे भगती करदिया गुजारे। मक्खन शाह लुबाणा आया ते उसने तेग बहादुर जी दे सन्मुख 5 मोहरां रख के नमस्कार कीता। तेग बहादुर जी घट घट के जाननहार ने मक्खन शाह नू वचन कीते कि भाई गुरसिखा, तू ते गुरु गद्दी लई 500 मोहरां भेंट करन दी मन्नत मन्नी सी। ए सुन के भाई मक्खन शाह लुबाणा खुशी विच कोठे उत्ते चढ़ गया ते पुकारन लगा, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, यानी गुरु मिल गया है। इस तरह तेग बहादुर जी सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी दी 9वीं गद्दी उत्ते विराजमान होए। गुरु तेग बहादुर जी ने 11 अगस्त 1664 ईस्वी नू गुरु गद्दी धारण कीती। गुरु गद्दी धारण करके गुरु तेग बहादुर जी अपने पूर्व गुरु साहिबान दे स्थान श्री अमृतसर साहिब नू नमस्कार करन पहुंचे। परीर खादे भरे होए धीर मलिया ने दरबार साहिब दे दरवाजे बंद कर ले। गुरु तेग बहादुर जी ने उसे स्थान तो श्री हरिमंदर साहिब जी नू श्रद्धा भरी नमस्कार कीती। शहर दी गुरसिख संगत ने गुरु तेग बहादुर जी दा बड़ा मान सत्कार कीता। दरबार साहिब अमृतसर जी दे इहाते विच गुरुद्वारा थड़ा साहिब इसे घटना नाल संबंधित है। गुरु जी वापस परत आए, 2 दिन अमृतसर साहिब ठहरे ते उत्थों बाबा बकाला आ गए। बाबा बकाले तो कीरतपुर साहिब लई तुर पए। राह विच गुरु तेग बहादुर जी ने तरन तारण साहिब, गुरु अंगद जी दे दरबार खडूर साहिब, गुरु अमरदास जी दे दरबार गोइंदवाल साहिब नू नमस्कार कीता। उत्थों मालवे दे कई पिंडां विच्चों होंदे होए तलवंडी साबू जिला बठिंडा पहुंचे। मालवे दी संगत दर्शन करके बड़ी निहाल हुई। गुरु जी धमधाण तो होंदे होए कीरतपुर साहिब पुजे।
किरतपुर साहिब पहुंचदिया ही राजा दीप चंद वालिए कहलूर दी विधवा राणी चंपा देवी दा सुनेहा पुज गया। उसने पेशकश कीती कि कीरतपुर दी बजाए गुरु तेग बहादुर जी माखोवाल डेरा कर लैन। गुरु जी ने 13 मई 1665 ईस्वी नूं माखोवाल दी धरती दा मुल धार दिता ते उसदा नां चक नानकी रख्या। चक नानकी ही वर्तमान श्री आनंदपुर साहिब दे नां नाल सुशोभित है। गुरु जी सच्चे सुच्चे ते धार्मिक प्रचार करदे सन, इस लई समय दी कट्टड़ हुकूमत ने गुरु साहिब जी नूं तमताण तों 13 दिसंबर 1665 ईस्वी नूं गिरफ्तार कर लिया, पर राजा राम सिंह दी सिफारिश उत्ते गुरु जी नूं रिहा कर दिता गया। सन 1666 ईस्वी विच गुरु जी पटना पुजे ते उत्थों पूर्वी भारत विच प्रचार करदे करदे पंजाब आ गए। उत्थों आके उन्होंने फिर मालवे का दौरा किया। गुरु जी का तेज प्रताप बहुत वध गया सी। औरंगजेब मुगल बादशाह इस गल नूं बर्दाश्त नहीं सी करता, क्योंकि वह तो हिंदुस्तान नूं दारुल हरब काफरां दा देश तों दारुल इस्लाम यानी इस्लाम दा मुलक बनाना चाहुंदा सी। इसलिए उसने बड़े जोर शोर नाल सारे भारत विच तबलीग दा काम शुरू कर दिता। हर थां हिंदू प्रजा नूं मुसलमान बनाया जान लग पिया। हिंदू प्रजा उत्ते जजिया यानी टैक्स लगा दिता गया। सरकारी नौकरी चों हिंदू मुलाजिम कट दिते गए। कश्मीर विच विद्वान पंडित रहिंदे सन, उन्हां नूं जबरी मुसलमान बनाउण लई औरंगजेब मुगल बादशाह ने अपने सैनिक शेर अफगन नूं हदायत कीती कि हिंदू प्रजा नूं मुसलमान बनाया जावे। इस जबरी तबलीग नूं वेख के मटन दे पंडित किरपा राम दी अगुवाई विच विद्वान पंडतां दा एक टोला श्री गुरु तेग बहादुर जी दे दरबार विच श्री आनंदपुर साहिब विखे आके पेश होया। गुरु साहिब जी अपनी तपस्या स्थान श्री भोरा साहिब दे नेड़े थड़े उत्ते विराजमान सन कि पंडतां ने फरियाद कीती कि हिंदू धर्म बचाया जावे। हिंदू धर्म दे तिलक ते जंजू दी रखवाली गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जिम्मे लै ली। वह इस विषय विच बादशाह औरंगजेब नाल गलबात करन लई चिंतित सन कि बाल गोबिंद राय बाहरों आ गए। उन्होंने पिता गुरु जी तो पूछया कि चिंता का कारण की है, तां गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने फरमाया कि तिलक ते जंजू दी राखी लई एक सीस दी कुर्बानी दी लोड़ है, पर सीस किसे महापुरख दा होना चाहिदा है। बाल गोविंद राय ने वचन कीते कि आप जी नालों वड्डा महापुरख होर कौन हो सकदा है। इस सुन के गुरु तेग बहादुर जी अपने कुछ चुने हुए साथी सेवकां नाल दिल्ली नूं रवाना हो पाए। गुरु जी रोपड़ दे नेड़े मलकपुर परगना घनौला पहुंचे। उत्थे उन्हां नूं मुगल हाकमां ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन्हां नूं पहलां सरहंद ते उस तों उपरंत दिल्ली पहुंचाया गया। गुरु जी दे नाल भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी ते भाई दयाला जी आदि सिदकी सिख सन। गुरु जी नूं करामाती समझ के लोहे दे एक पिंजरे विच बंद कर दिता गया। वह पिंजरा भूत प्रेतां मल्ली थां उत्ते पुरानी कोतवाली दे इहाते विच रखिया गया। गुरु जी नूं बड़े तसीहे दित्ते गए। बादशाह ने गुरु जी अगे 3 शर्तां रखियां। पहली शर्त करामात विखाओ, दूजी शर्त मुसलमानी मत धारण करो, तीजी शर्त मौत कबूल करो। गुरु जी ने मौत कबूल करदिया फरमाया, बां जिना दी पकड़िए धर पइए धर्म न छोड़िए। मानत आ
ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਵਹਾਬੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਤਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਲਾਦ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਿਆ।